दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीप कंपास के बेस वेरिएंट के बारे में। जी हाँ, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स वेरिएंट के बारे में। तो ये वीडियो में जानेंगे इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स एंड प्राइस के बारे में, क्या आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है जीप कंपास की स्पोर्ट वेरियंट। डीजल में आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल में भी अवेलेबल है। तो इसमें हमें दो रिमोट कीज मिल जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लिप रिमोट की है, ओके। दूसरी की अवेलेबल है, दो फ्लिप रिमोट की इसमें देखने को मिल जाएंगे। दो ही बटन इसमें मिल जाए लॉक और अनलॉक करने के लिए। लॉक किया तो ऐसा साउंड आने वाला है, अनलॉक किया तो इसमें साउंड कोई भी नहीं। तो सामने से जीप कंपास स्पोर्ट्स ट्रिम का ऐसा लुक निकल के आता है। टियर 7 स्लॉट ग्रिल, जीप का लोगो आपको क्रोम में देखने को मिलेगा, कोई भी फॉग लैंप नहीं। जीप के परफॉर्मेंस LEDs इसमें देखने को मिल जाएंगे। दो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट सेटअप मिल जाते हैं, एक हाई बीम के लिए, एक लो बीम के लिए। डे टाइम रनिंग लाइट भी मिल जाती है, ओके। और इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ जीप कंपास का स्पोर्ट ट्रिम का लुक निकल के आता है। आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता देना। अगर हम साइड प्रोफाइल से बात करेंगे ना तो ओके, सो दोस्तों ये है जीप कंपास का साइड प्रोफाइल। जीप कंपास की खासियत क्या है, जीप वालों की खासियत क्या है, बेस वेरिएंट से इतने फीचर्स देते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा ना ये गाड़ियाँ लेना बहुत ही वर्थ है। लेट्स एग्जांपल, ये चार आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको अलॉयज मिलने जाते हैं। बेस वेरिएंट से ही ORVM के ऊपर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। जो अलॉयज है दोस्तों वो 17 इंच के है, ओके। और इसमें 225/60 R17 प्रोफाइल मिल जाता है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे डिस्क ब्रेक, ये दोस्तों अवेलेबल है। दोस्तों अगर डायमेंशंस की बात करेंगे ना तो इसमें हमें 4405 mm की लेंथ मिलती है, 1818 mm की विड्थ है और हाइट है 1640 mm की। व्हील बेस की बात करेंगे तो दोस्तों 2636 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी में हमें देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। कंपास की बैजिंग आपको डोर्स में देखने को मिलेगी, देन बॉडी कलर में आपको डोर्स मिलेंगे आगे और पीछे वाले के। यह है इसका वन टच फ्यूल लिड ओपनिंग, सिर्फ गाड़ी आपको अनलॉक होनी चाहिए, देन आप इसे वन टच ओपन कर सकते हैं। वन मोर थिंग दोस्तों, गुड फीचर कैपलेस फ्यूल लिड, देन आपको क्रोम दिखाई देगी यहाँ से लेके सी पिलर तक, क्रोम में आपको देखने को मिल जाएगी। तो रियर प्रोफाइल में ऐसा कुछ मिल जाता है आपको, ओके। बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल से तो आपको LEDs मिल जाते हैं इसमें, ओके। जीप कंपास में आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जीप की आपको बैजिंग क्रोम में देखने को मिल जाएगी, देन वाइपर वॉशर डिफॉगर इसमें तो मिल ही जाता है। बेस वेरिएंट से आपको दोस्तों ये मिल रहा है, देन आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप स्पॉइलर के ऊपर दिखाई देने वाला है। नीचे आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे और दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स ट्रिम की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये आपका कैमरा, अगर आपको डिग्गी ओपन करनी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, आपकी गाड़ी सिंपली अनलॉक होनी चाहिए, ओके। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन यूज़ करके आपका डिग्गी ओपन कर सकते हैं। तो इतना सारा बूट स्पेस ये गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपको पार्सल ट्रे इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन बूट लैंप ज़रूर देखने को मिल जाता है। पार्सल ट्रे आप बाहर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत स्पेस है तो आप वहाँ भी आपका सामान रख सकते हैं। देन स्पेयर टायर की बात करेंगे तो दोस्तों 1 इंच कम स्पेयर टायर मिलता है, और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो है सिर्फ और सिर्फ 120 किलोमीटर पर आर की, वो भी ज़्यादा होती है हमारे इंडियन रास्तों के लिए। सो स्पेयर टायर स्टील रिम में देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विथ स्पीड लिमिट के साथ। जो सीट से आपको 60-40 स्प्लिट हो जाते हैं। दोस्तों बूट स्पेस आपको 438 लीटर का इसमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों चलते हैं अंदर, बात करते हैं इंटीरियर से। दोस्तों ऐसा कुछ दिखता है इंटीरियर,
पूरा ब्लैक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जगह जगह पर आपको फैब्रिक वर्क देखने को मिल जाएगा। सीट से आपको वो आपको फैब्रिक में मिल जाएंगे ब्लैक में, और थ्रेडिंग है वो आपको येलो और ब्राउन मिक्स उसकी वो थ्रेडिंग यूज़ की गई है, ठीक है। तो फैब्रिक सीट्स इसमें मिल जाते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे ले सकते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर के बारे में। सिल्वर कलर में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल स्पीकर यहाँ है, 1 लीटर बॉटल स्पेस है, थोड़ा बहुत डोर पॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ आपको फैब्रिक वर्क किया हुआ मिलता है, ये पावर विंडोज के बटन है। दोस्तों एक खास क्या बात है जीप की, अरे यार बेस ट्रिम से ही बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं दोनों पावर विंडोज, ओके, जो फ्रंट के है ड्राइवर एंड को ड्राइवर के जो पावर विंडोज है, वन टच डाउन वन टच अप इसमें मिल जाते हैं। सो बहुत ही बढ़िया एक फीचर जीप कंपास में आपको प्रोवाइड किया हुआ मिलता है। बाकी आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, विंडो लॉक करने के लिए भी बटन इसमें देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ ड्राइवर साइड डोर दिखता है। इसमें कोई फॉग लैंप अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ ये बटन नॉब यूज़ करके आप आपका हेड लैंप्स एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपको गाड़ी की जो एम लाइट है वो आप डिम कर सकते हैं, एंड हेड लैम्प की जो लाइट है वो भी आप लेवल कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों ये इसका स्टेयरिंग, कोई भी लेदर रैप स्टेयरिंग इसमें प्रोवाइड किया गया नहीं है। अंदर बैठ के ही बात करते हैं। यह जीप कंपास का डैशबोर्ड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बेस मॉडल से ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो। तो ये बीच में आप देखेंगे 7 इंच का टच स्क्रीन दोस्तों, इंफोटेनमेंट सिस्टम दोस्तों में इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन है, ओके, देन आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ढेर सारे सेटिंग्स इसमें है, कंफर्ट है, कंट्रोल्स के भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल किया गया है। देन देख सकते हैं रियर व्यू का कैमरा भी इसमें आप देख सकते हैं, जो रियर व्यू का कैमरा है वो आप ग्रिड लाइन एंड गाइडलाइंस के साथ दिखाई देने वाला है, ठीक है, दैट इज गुड थिंग। देन ऑटो आइडल का भी फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, देन आपका ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा। ओके, ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑफ कर रहे हो तो यहाँ देखने को मिल जाएगा, ऑन करेंगे तो भी आपको MID में देखने को मिल जाता है। देन पार्क सेंस ऑफ, ये एक एडिशनल फीचर है, वो भी आपको ये गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ देखने को मिल जाता है वाला। ड्राइवर प्रोफाइल भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, ऑडियो सेटिंग्स है दोस्तों, ठीक है, एंड व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, फोन की इन्फॉर्मेशन आपको है, ठीक है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, कंफर्ट, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, मीडिया ऑप्शंस इसमें, सिर्फ और सिर्फ इमेज और वीडियो आप इसमें प्ले नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा मैनुअल AC, ऑटोमेटिक AC नहीं है दोस्तों, और ड्यूअल जोन भी AC इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। देन आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का भी ऑप्शन बेस मॉडल से ही मिलता है। और क्या चाहिए दोस्तों, 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये इसके AC वेंट्स, ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो डिसेंट साइज ग्लोब बॉक्स है लेकिन डीप है ये, ओके। देन यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा सनशेड के ऊपर, यहाँ भी आपको सनशेड के ऊपर वैनिटी मिरर मिलता है। सनरूफ के लाइट्स ये है, हैलोजन में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। देन ये है इसका स्टेयरिंग दोस्तों। वन मोर थिंग, बेस मॉडल से ही आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिल जाता है। हाँ, ये लेदर रैप स्टेयरिंग नहीं है लेकिन फिर भी इतना सारा तो आपको मिल जाता है। यहाँ आप स्पेस मिल जाता है, आप मोबाइल रख सकते हैं, आपको USB कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिलने वाली है। 2 कप होल्डर्स है, ये इसका आर्मरेस्ट है, ओके, ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है इसमें, और इसमें आप सामान रखने के लिए जगह भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसके सीट्स दोस्तों, फैब्रिक सीट्स मिल जाएंगे, एंड वन मोर थिंग, हाइट एडजस्टेबल, एंगल एडजस्टेबल कर सकते हैं दोस्तों, आगे पीछे कर सकते हैं, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। चार आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है, देखो बेस मॉडल से ही 4 आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, विद हैंगर हुक के साथ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड में भी लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, को ड्राइवर का जो विंडो स्विच है दैट इज ऑल्सो 1 टच अप एंड 1 टच डाउन विंडो आप कर सकते हैं। स्विचेस है ना दोस्तों, वो सारे इल्यूमिनेटेड स्विचेस आपको ये गाड़ी में देखने को मिलने वाले, जितने भी कुछ है इल्यूमिनेटेड ही देखने को मिलने वाले। इसमें आपको क्या मिलता है, इंडिकेटर, ओके, इंडिकेटर सेटअप है, एंड आप पास का बटन इसमें दबा सकते हैं। राइट साइड में आपको वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, ये लेफ्ट साइड में आपको कॉल रिसीव कॉल ड्रॉप करने के लिए बटन मिल जाता है, और MID के जो स्विचेस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब आप सोचोगे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्विचेस कहाँ गए, दोस्तों ये यहाँ मिल जाते हैं, ओके, यहाँ आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करने के लिए, वॉल्यूम म्यूट करने के लिए यहाँ बटन मिल जाता है राइट साइड में, एंड ये साइड में भी आपको स्विचेस मिल जाता है चैनल चेंज करने के लिए, और ये मोड का बटन है। सो जीप कंपास की ये मैनेजमेंट है, आपको कैसी लग रही है ना आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैनुअल एडजस्टेबल डे नाइट रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। वन मोर थिंग दोस्तों, जो ड्राइवर साइड का सनशेड है ना, ओके, वो दोस्तों क्या है ना, वो एक्सटेंड होता है, ये देख सकते,
ये लो, ये जीप कंपास ही बड़े बड़े ब्रांड में ही आपको ऐसा देखने को मिल जाता है कि बेस मॉडल्स ही आपको ऐसे फीचर्स दिखाई देने वाले। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है। आरपीएम मीटर की मार्किंग 6000 तक है एंड स्पीडोमीटर की मार्किंग 240 किलोमीटर पर आर की है। बीच में छोटी सी एमआईडी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो भी देखते हैं। चलो, टीपीएमएस देखने को मिल जाएगा, देन ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाता है, ओके सेटिंग है, देन स्क्रीन मैसेज, कोई मैसेज आएगा वो भी देखने का, आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं। ऑटो आइडल का ही ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएगा, ओके ट्रिप ये की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी डिस्टेंस कितना आपने कैरी किया है, गाड़ी कितना किलोमीटर आपकी चल चुकी है, देन माइलेज क्या मिला है, देन गाड़ी कितना घंटा आपका गाड़ी चालू हुए, देन रेंज क्या है इंस्टेंट किलोमीटर, वो भी माइलेज मिल जाएगा, ओके देन आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर और चल सकती है वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलने वाली है। ओके सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है ना, जो ये मतलब ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो बेस मॉडल से ही आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ही खूबसूरत सा दिया गया है, बहुत सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। तो बात करते हैं सीट्स के बारे में। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, एंगल जो लंबा सो पड़े वो बहुत बढ़िया है, इसके सीट्स अच्छे खासे होल्ड करते हैं, ड्राइविंग करने में बहुत मजा आती है। मैंने जीप कंपास का ड्राइविंग इंप्रेशन वीडियो भी डाला है। देन ये सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं, आपको बोनेट दिखाई देता है, देन आपके जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, फैब्रिक सीट्स होके भी इतने कंफर्टेबल मुझे लगते हैं, थाई सपोर्ट इसका अच्छा है। तो फ्रंट सीट्स के बारे में मैं इसे थम्स अप दूंगा। अब चलते हैं रियर सीट्स और बात करते हैं रियर सीट्स में हमें क्या क्या ऑफर किया गया है। रियर का डोर है ना वो इतना सारा ओपन होता है, इंग्रेस एंड इग्रेस बहुत ही आसान रहने वाला है। पीछे भी आपको फैब्रिक सीट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन बेस मॉडल से ही आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद टू कप होल्डर्स, जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है। वाव, 60-40 स्प्लिट इसमें देखने को मिल जाएंगे। देन ये गाड़ी में आपको आइसोफिक्स चैनल माउंट्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अंदर बैठते हैं, आगे की सीट्स मेरे हिसाब से एडजस्ट है, ओके और देख सकते हैं कितना सारा लेग रूम हमें मिल रहा है। कंप्लीटली नी तक मुझे ये सपोर्ट दे रहा है सेट, ओके सो ये बहुत बढ़िया है। हेडरूम की बात करेंगे, हाँ डिसेंट साइज हेडरूम है, ओके एंड लेकिन आपको यहाँ भी एक लैम्प देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी एक रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है। सो पीछे की सीट्स भी बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही प्लस फीलिंग आपको इसमें आने वाली है। अब बात करते हैं बेस मॉडल से, आपको रियर के एसी वेंट मिलता है, यूएसबी चार्जर मिल जाता है, ओके और यहाँ आपका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी नीचे देखने को मिल जाएगा। और क्या चाहिए। सो दोस्तों ये है इंजन कंपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स रिम का जीप कंपास का, इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है। सो ये दोस्तों ये 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन है, देख सकते हैं नीट एंड क्लीन। नीचे आपको इंजन गार्ड भी देखने को इसमें मिलने वाला है। अगर पावर फिगर्स की बात करेंगे तो 170 bhp एंड 350 nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। माइलेज की बात करेंगे तो लगभग 17.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये गाड़ी में हमें देखने को मिल जाता है। तो पावर के मामले में कुछ कमी नहीं है दोस्तों, आप इसे बिंदास रगड़ सकते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया ये गाड़ी रहने वाली है। जीप कंपास है वो हमें 6 कलर ऑप्शन में देखने को मिलेगी, मेटेलिक ग्रीन, ब्राइट व्हाइट, एक्जोटिका रेड, जो सामने है दोस्तों वो एक्जोटिका रेड है, देन मिनिमल ग्रे, ओके ब्रिलियंट ब्लैक, गैलेक्सी ब्लू एंड मैग्नेसियो ग्रे, ये 6 कलर में गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें है ना सिर्फ एक ही कमी मुझे लगती है, रूफ रेल्स इसमें दिए गए नहीं है, जो कि ये गाड़ी में प्रोवाइड करने चाहिए थे। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो ये मालूम है आपको ऑस्ट्रेलियन एनकैप में 5 स्टार लाई है, जो इसका बोनेट का वेट है नियर अबाउट 40 किलो का है, और इसमें लगभग 68% स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है, मतलब इतना स्ट्रांग बॉडी स्ट्रक्चर हमें ये गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं ना दोस्तों, तो इसमें मिल जाता है ABS, ठीक है, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 2 एयरबैग्स, देन पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, कैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, इंजन चेक वार्निंग, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। देन एडवांस सेफ्टी फीचर हमें क्या क्या मिलता है, ऑल सीजन टायर्स, ठीक है, देन फ्रीक्वेंटली सिलेक्टिव डैम्पिंग सस्पेंशन, डायनामिक स्टेयरिंग टॉर्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, अडेप्टिव ब्रेक लाइट्स, एक्टिव टर्न सिग्नल्स, ड्यूअल नोट इलेक्ट्रिक हॉर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन। बेस वेरिएंट से ही आपको ये फीचर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन, सीट बेल्ट लैच विद ड्यूअल लॉकिंग टंग, देन ड्यूअल क्रैंक प्रिवेंशन सिस्टम, ऑल रो फुल लेंथ साइड कर्टन एयरबैग्स, ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम। तो इसमें दोस्तों 6 एयरबैग्स हमें बेस वेरिएंट से ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इतने सारे
सेफ्टी फीचर्स हमें ये गाड़ी में देखने को मिलता है। एंटी थेफ्ट डिवाइस मिलता है, स्पीड अलर्ट है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट है, देन प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट अवेलेबल है, हील असिस्ट है। ओके, तो इतने सारे सेफ्टी फीचर्स ये गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। ये जीप स्पोर्ट्स डीजल की, पर्टिकुलर मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो है 19,74,000। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो ये लगभग हमें 24 लाख में ऑन रोड मिलने वाली है। तो क्या दोस्तों आप इसे कंसिडर कर सकते हैं? दोस्तों अगर आपको ड्राइविंग डायनामिक्स में गाड़ी चाहिए, ओके, एंड बेस्ट ट्रिम से ही एक धाकड़ गाड़ी चाहिए, 5 स्टार रेटेड गाड़ी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर वाली गाड़ी चाहिए, तो आप ये गाड़ी के ऊपर डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। एक बार सोचो तो ज़रूर, एक बार गाड़ी चलाओ तो ज़रूर आपको समझ में आएगा ये कहीं गुना गाड़ी बेहतर है। और जो गाड़ी ड्राइविंग के बारे में जो इंथुजियास्ट लोग है वो ये गाड़ी के लिए डेफिनेटली कंसिडर कीजिए। तो ऐसा कुछ दिखता है रियर साइड से स्पोर्ट्स ट्रिम का डैशबोर्ड। दोस्तों आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जीप कंपास स्पोर्ट्स ट्रिम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये गाड़ी ठाणे में चाहिए, महाराष्ट्र के किसी भी कोने से चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके टेस्ट ड्राइव लेके गाड़ी आपके लिए बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।